हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, और हम लोग जा रहे हैं मछली मार्केट। तो ये रहा जांजगीर का मछली मार्केट, और चलिए देखते हैं मछली। और ये वाली जो शॉप है, यहीं से दीदी हमेशा मछली लेती हैं। तो चलिए मछली लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फ्रेंड्स, हमने मछली ले लिया, अब हम लोग जा रहे हैं आगे मोमोज लेने के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं मोमोज लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी दीदी गई हुई है मोमोज लेने के लिए और मैं उनका कर रही हूँ वेट। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मार्केट से आ चुके हैं घर, और यहाँ पर छोटी निकाल रही है मोमोज। तो चलिए हम लोग मोमोज खा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियोस में कंटिन्यू बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, ये है हमारी ओरियो जो कि देख रही है इधर उधर छिपकली को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी ने इस बाल्टी में अंगारे में डाल दिया है नीम की पत्ती, क्योंकि हमारे घर में हो चुके हैं बहुत सारे मच्छर, और उन्हें भगाने के लिए मम्मी ने ये देसी नुस्खा अपनाया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मम्मी अंदर लेकर आ चुकी हैं, और पूरे घर में मम्मी कर रही हैं धुआं। और फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पूरे घर में हो चुका है धुआं। और चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मिलाती हूँ इस गिलहरी से। और मैं इसे काफ़ी दिनों से अपनी किचन की खिड़की से देखा करती थी, क्योंकि ये मिट्टू के पिंजरे से गिरे हुए जो भी फ्रूट्स होते हैं, वो इसे जब वो नीचे गिरते हैं तो इसे खाने के लिए आती है। और मैं इसे काफ़ी दिनों से कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। फ्रेंड्स, ये है बथुआ भाजी जो कि मम्मी लेकर आई है बागान से तोड़कर, और ये ताज़ा ताज़ा है। और आज मैं पहली बार बनाऊंगी बथुआ भाजी, मैंने कभी बनाया तो नहीं है, लेकिन मैं आज ट्राई ज़रूर करूंगी। तो चलिए इसको काट लेते हैं। चढ़ो